जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने 5 मजदूरों की हत्या कर दी। हमले में एक मजदूर के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। बताया गया कि मारे गए सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे। वहीं 5 लोगों की हत्या की खबर मिलते ही उनके घरों में मातम पसर गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से ये आतंकी जो है वो बौखलाए हुए हैं। ट्रक ड्राइवरों, कारोबारियों और दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को ये निशाना बना रहे हैं। इससे पहले भी आतंकियों ने एक मजदूर की हत्या की थी। पिछले 15 दिनों में आतंकी अलग अलग हमलों में 4 ट्रक ड्राइवर्स और दूसरे राज्य से आए 6 मजदूरों की हत्या कर चुके हैं। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की काली करतूतों को देखा। पाकिस्तान ने कश्मीर को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिशें हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कश्मीर में मुर्शिदाबाद के रहने वाले लोगों की हत्या पर दुख जताया। ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि कश्मीर में हत्याओं पर हमें बहुत दुख है। आतंकी हमले में मुर्शिदाबाद के 5 मजदूरों की जान चली गई। कोई भी शब्द पीड़ित परिवारों का दुख कम नहीं कर सकता। दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, अभी कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि किन आतंकियों ने किस संगठन से जुड़े हो सकते हैं जिन्होंने ये हमला किया? देखिए, अभी मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये मामला पेश आया, ये कमरे में बैठे थे, उसके बाद उनको निकाला गया और उनको गोलियों से बूंद दिया गया, तो अभी तलाश की जा रही है कि किन लोगों की, कौन से लोग जो हैं इनके पीछे हैं। लेकिन नामालूम बंदूकधारों ने इनको कल गोलियां मारकर हलाक कर दिया। एक घायल जो है गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और बॉडीज जो है 5 रिकवर की गई। 5 मजदूर बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि वेस्ट बंगाल से इनका ताल्लुक है, मुर्शिदाबाद से, और इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि लगातार इस तरीके के हमले हो रहे हैं। 7वां ये हमला था साउथ कश्मीर में। पहले कुछ जो फ्रूट ट्रेडर्स है उनकी भी हत्या की गई और उसके अलावा जो कुछ ट्रक ड्राइवर्स हैं जो यहाँ पे फ्रूट लेने के लिए, खासतौर से सेब पैदावार यहाँ पे बहुत होती है, वो लेने के लिए यहाँ आए थे और उसके बाद उनकी हत्या की गई। बिजबिहारा में 2 दिन पहले एक ड्राइवर को मार दिया गया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक के बाद एक इस तरह के हमले हुए हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस ने ये कहा था कि काफी जगहों पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी या सेफ जोन डिक्लेयर किए जाएंगे फ्रूट जो लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन कल जिस तरीके की ये घटना घटी कि 5 मजदूर एक साथ मार दिए गए, तो इससे पूरा पैनिक हो गया पूरे इलाके में। और खासतौर से जो बिरूनी रियासतों के लोग यहाँ पे हैं, जो मजदूरी करने के लिए आते हैं या फ्रूट लेने के लिए आते हैं, उनमें जबरदस्त खौफ पाया जाता है, जबरदस्त तश्वीश पाया जाता है। अब देखना होगा कि अब किस तरह की रणनीति सरकार अपनाएगी, क्या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं, क्योंकि ये जो मामला हुआ, एक साथ में 5 लोगों की मौत हुई, उनको मार दिया गया, तो इससे बहुत ही दुखद घटना बताया जा सकता है और इससे काफी तश्वीश उन लोगों में पैदा हुई जो बाहर के लोग यहाँ पे हैं। शुक्रिया रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने हमला उस वक्त किया जब सीआरपीएफ के जवान एक स्कूल के बाहर तैनात थे, तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। राहत की बात ये रही कि आतंकियों के इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। आतंकियों के इस हमले की वजह से सेंटर पर 5 छात्र भी फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद सही सलामत रेस्क्यू किया गया। तो ये तस्वीरें दरअसल ये सीआरपीएफ के जवान जिन पर ये आतंकियों के द्वारा हमला किया गया, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर ये आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने हमला उस वक्त किया जब सीआरपीएफ के जवान एक स्कूल के बाहर तैनात थे और तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत और राहत की बात यहाँ ये रही कि आतंकियों के इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। हमारे जवान भी सुरक्षित हैं और वहाँ जो छात्र हैं वो भी सुरक्षित हैं। आतंकियों के इस हमले की वजह से सेंटर पर हालांकि 5 छात्र उस वक्त फंस गए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने पाकिस्तान की कलाई खोल दी। राज्य के दौरे के बाद एक सांसद ने कहा कि ज्यादातर टेरर फंडिंग के मामले पाकिस्तान से आते हैं। यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने श्रीनगर में डल झील की सैर की और वहां के लोगों से मुलाकात भी की। उन्होंने श्रीनगर में स्थानीय निकाय और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक की और उनसे घाटी के मौजूदा हालात की जानकारी की।
यूरोपीय सांसदों का दल अलग अलग इलाकों से आए सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल से भी मिला। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विदेशी सांसदों का ये दल राज्य के दौरे पर पहुंचा था, इसलिए इसे बहुत खास भी माना जा रहा था। वहां लोगों से उन्होंने बातचीत की, स्थिति दरअसल इस वक्त क्या है उसको समझने की कोशिश की और साथ ही साथ पाकिस्तान की कलई भी खोल कर रख दी। राज्य के दौरे के बाद एक सांसद जो उनके साथ ही पहुंचे थे, उनका कहना था कि ज्यादातर जो टेरर फंडिंग के मामले हैं वो पाकिस्तान से ही होते हैं, वहीं से आते हैं। यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने श्रीनगर में डल झील की सैर की, वहां जो लोग मौजूद थे उनसे मुलाकात की, हालचाल जाना कि स्थिति क्या है, क्या उन्हें किसी तरीके की दिक्कत है वो समझने की कोशिश की। उन्होंने श्रीनगर में स्थानीय निकाय और सिविल सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनके साथ भी बैठक की और उनसे भी घाटी के मौजूदा हालात की जानकारी ली। The terrorism is mostly financed by Pakistan and by other Muslim countries. यहाँ पे बड़ा एक इंटरेक्शन अच्छा रहा और हमने अपनी बात रखी कि हम क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, हमारे यहाँ पे जॉब्स नहीं है और जो हमारे ग्रीवेंसेस है वो भी हमने उनके साथ शेयर किए। यूरोपियन यूनियन के सांसदों के कश्मीर दौरे को लेकर विपक्ष के नेता जो सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं सवालों के जरिए शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में सवाल उठाया गया और ये कहा गया कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी इनका जवाब देने में सक्षम है। सामना के जरिए शिवसेना ने लिखा कि यूरोपीय यूनियन के सांसदों की कश्मीर दौरे की जरूरत क्यों थी। मैंने उनको समर्थन दिया है मोदी जी को, लेकिन विपक्ष अगर उसका ऊपर कोई सवाल उठाता है तो मोदी जी और शाह जी बहुत ही मजबूत हैं, उनको जवाब देने। तो कश्मीर पर दुनिया भर से मुंह की खा चुके पाकिस्तान ने भारत को मिसाइल हमले की गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान में कश्मीर मामलों के मंत्री अली अमीन ने यह भी कहा कि जो भारत का साथ देगा उस पर भी मिसाइल हमला कर देंगे। ये वैसा ही है जैसा वहां के विदेश मंत्री, याद होगा आपको, शाह महमूद कुरैशी ने कहा था। इस तरह की वो बयानबाजी करते रहते थे और अपना मजाक भी कई बार बनवा चुके हैं, मिसाइल की बात कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि दरअसल पाकिस्तान शांत नहीं बैठने वाला है। एक के बाद एक कई धमकी उन्होंने दिया जिसके बाद पाकिस्तान में ही उनका खूब मजाक बना था। तो कश्मीर पर दुनिया भर से मुंह की खा चुका है पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद उसकी हरकतें सुधर नहीं रही हैं। भारत को चेतावनी और धमकी देते हुए मिसाइल हमले की गीदड़ भभकी पाकिस्तान दे रहा है। पाकिस्तान में कश्मीर मामलों के दरअसल मंत्री अली अमीन ने यह कहा कि जो भारत का साथ देगा उस पर भी मिसाइल हमला कर देंगे। भारत के साथ है वो भी ये सुन ले कि कल को अगर भारत के साथ हमारी कशीदगी उठा तक गई, हम जंग पे मजबूर हो गए क्योंकि दुनिया इसका मुदाखलत नहीं कर रही इस मसले के ऊपर, तो फिर वो समझ गए इस बात को। अगर वो भारत के साथ है तो एक मिसाइल भारत पे जाएगा, एक मिसाइल पे भी जाएगा, वो तैयार रहे इस चीज के लिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बालाकोट में एयर स्ट्राइक मिशन के चीफ रहे एयर मार्शल सी हरि कुमार ने कहा कि जल्द ही पाकिस्तान टुकड़ों में बढ़ जाएगा। पाकिस्तान कुछ टुकड़ों में बहुत जल्दी टूटने वाला है। पश्तून, बलोची, शियाज, अहमदियाज, सिंधी सब उससे अलग होना चाहते हम कुछ ना भी करें तो ये अपने आप कुछ टुकड़ों में टूट जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। उधर अहमदाबाद में कपड़े की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वहां फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां पहुंच गई और फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने में जुट गई, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग की ऊंची ऊंची लपटें अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक लगी होगी। आसपास के लोग वहां तुरंत इकट्ठा हो गए, भीड़ जमा हो गई। आनंद फानंद में दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई और दमकल विभाग की टीमें वहां पर पहुंची और अभी भी आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें वहां पर की जा रही हैं। इस बात का भी अभी तक पता नहीं चल सका है कि आखिरकार कपड़ा की इस फैक्ट्री में आग कैसे लगा। जो चश्मदीद है वो अलग अलग दलील वहां पर देते नजर आ रहे हैं कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो, लेकिन अभी ये जांच का विषय है कि आखिरकार इस फैक्ट्री में आग कैसे लगी। लेकिन वहां पर फायर ब्रिगेड की अभी 17 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। फैक्ट्री में आग पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी चल रही हैं, वो लोग जुट गई, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। हालांकि आग के धुएं और आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर रही होगी। कई किलोमीटर दूर से ऐसी लपटें और ये धुआं देखा जा सकता था।
उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बांस की दुकान में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और उसने पास के ही एक मकान को भी अपनी जद में ले लिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन जरा तस्वीरें आप देखिए, आग की ऐसी लपटें। हालांकि जो आसपास के लोग हैं वो समय सहम गए, डर गए, क्योंकि इस तरीके से आग बढ़ रही थी, फैल रही थी, जिसका खतरा जल्द ही और इलाके को अपनी चपेट में ले सकता था। ये खतरा भी लोगों के मन पर बना हुआ था। आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और आग को बुझाने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिया और किसी तरह जाकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक ये कहा जा रहा है लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि पटाखे की चिंगारी से बांस की दुकान में दरअसल ये आग लगी थी। उधर नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई और फिर देखते ही देखते कार आग की भीषण लपटों में घिर गई, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। कार में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। इस दौरान वहां से तेजी से गाड़ियां भी गुजरती रही। बाद में सूचना पर वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कार में लगी आग पर काबू पाने में जुट गई। दो लोग पाइप की मदद से आग पर पानी की बौछार करते वहां नजर आए। आग बुझाने के दौरान वहां धुएं के गुब्बार को भी देखा गया। हालांकि कुछ देर बाद ही फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। लेकिन ये तस्वीरें वहां पर चौंकाने वाली, क्योंकि बीच सड़क पर ऐसे धुओं कर अगर कार जल जाए तो वहां से गुजरने वालों की स्थिति क्या होगी। कई लोग वहां रुककर आग पर अपने ही तरीके से काबू पाने की कोशिशों पर जुट गए। दमकल विभाग को तुरंत जानकारी दी गई, उनकी टीमें वहां पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से कार पर लगी आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक कार जल चुकी थी। उधर दिल्ली के रोहड़ी इलाके में एक दो मंजिला मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग मकान की दूसरी मंजिल में लगी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में आग मकान की पहली मंजिल में भी फैल गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी मकान में लगी आग पर पानी की बौछार करता भी दिखाई दिया। वहीं आग लगने से वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान वहां रहने वाले एक आदमी ने प्रशासन पर देरी से पहुंचने का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि अगर वक्त रहते प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच जाती, तो ये आग जो दूसरी मंजिल पर लगी वो पहली मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। आग जो है बड़ी जल्दी पहली मंजिल तक पहुंच गया और उसके कारण लोगों को वहां काफी दिक्कतें हुई। आसपास का जो माहौल था वो अफरा तफरी जैसा मच गया, क्योंकि एक मकान में से आग लगना और उससे जुड़े हुए कई और मकान भी थे। आग वहां पहुंचने का भी खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में आरोप ये लग रहा है कि जो दमकल विभाग है, जो प्रशासन की टीम है, वो वक्त रहते नहीं पहुंची। वक्त रहते अगर वो पहुंचती तो आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाता। 1 घंटे हो गए यहाँ पे आग लगे, लोग फायर ब्रिगेड पे फोन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई प्रशासन नहीं आया। 1 घंटे पूरे बीत गए। इतना फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी हुई थी, नीचे नहीं लगी हुई थी। सेकंड फ्लोर पे उस समय सेकंड फ्लोर पे कोई आदमी नहीं आया, ना प्रशासन आई, ना। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की गुंडागर्दी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता ने वहां चल रहे कृषि महोत्सव की एक कार्यशाला के दौरान जमकर कुर्सियां चलाई। यही नहीं, वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी की पिटाई भी कर दी। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, लोग एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते नजर आए। मारपीट की वजह से वहां मौजूद एक महिला कृषि वैज्ञानिक और प्रखंड कृषि पदाधिकारी घायल हो गए। इस मामले में प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने 3 नामजद और 10 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन जरा ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से वहां गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, वहां जमकर कुर्सियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, वहां मौजूद जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन्होंने प्रखंड जो कृषि पदाधिकारी है उनकी भी जमकर पिटाई कर दी, वो इसमें घायल हो गए। अफरा तफरी उस दौरान मच गई। मारपीट की वजह से वहां मौजूद एक महिला कृषि वैज्ञानिक भी थी जो घायल हुई है। उनके साथ ही साथ प्रखंड कृषि पदाधिकारी, उनकी भी पिटाई की गई और वो भी घायल है, अस्पताल में भर्ती है। इस मामले में प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने 3 नामजद और 10 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया। फिलहाल अब पुलिस जांच की बात कर रही है और जल्द ही लोगों की गिरफ्तारी की बात भी करती नजर आ रही है। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में टोल प्लाजा पर एक पुलिस वाले की बेटी और उसके साथियों ने हंगामा कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग टोल प्लाजा पर बवाल करते नजर आए। इससे पहले टोल टैक्स दिए बिना जा रही एक गाड़ी को टोल कर्मचारी ने रोक लिया और ड्राइवर से पैसे मांगे।
तभी गाड़ी में पीछे बैठा एक लड़का बाहर निकला और कर्मचारी से धक्का मुक्की करने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी में बैठी पुलिसकर्मी की बेटी और उसके दूसरे दोस्त भी बाहर निकल आए और वहां हंगामा करने लगे। टोल कर्मचारियों ने इन लोगों पर चाकू से हमला करने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने दो लड़कियों समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कर रही है। लेकिन ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जहां पर इनसे टोल के पैसे मांगे गए, जिसके बाद ये लोग भड़क गए, उतरकर जमकर धमकाते नजर आए टोल कर्मियों को। और साथ ही साथ टोल कर्मी जो है वो ये भी आरोप लगा रहा है कि इन्होंने चाकू से हमला करने की धमकी भी वहां पर दी थी। अब फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जल्द ही लोगों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में छेड़छाड़ के आरोप में लोगों ने दो लड़कों की पिटाई कर दी। बताया गया कि लड़कों ने वहां महिलाओं पर फफ्तियां कसी थी, जिसके बाद महिलाओं ने दोनों लड़कों को घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। भीड़भाड़ वाली जगह पर हंगामा होता देख लोग वहां जमा हो गए। खुद को घिरा देख लड़के वहां कुछ लोगों से भिड़ गए। काफी देर तक इलाके में ऐसे ही हंगामा होता रहा। फिर वहां पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने पहले तो लोगों को शांत कराया और फिर दोनों लड़कों को अपने साथ ले गई। अब पुलिस शिकायत के बाद ही किसी कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस का कहना अभी तक उनको कोई शिकायत इस पूरे मामले पर नहीं मिली है। जैसे ही उनको शिकायत मिलती है वो इस पर कार्रवाई करेंगे। उधर भोपाल के एक रेस्टोरेंट में ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि जन्मदिन के मौके पर एक परिवार के करीब 18 लोग वहां पहुंचे थे, जिनका रेस्टोरेंट के कर्मचारी से झगड़ा हो गया और गुस्साए जो ग्राहक थे उन्होंने रेस्टोरेंट के कर्मचारी से मारपीट शुरू कर दी। सीधे सीधे वो भिड़ गए। देखते ही देखते रेस्टोरेंट जंग के मैदान में बदल गया। खाने में देरी हुई तो ग्राहक किचन तक जा पहुंचे, जहां रेस्टोरेंट के संचालक ने उन्हें रोका तो दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि रेस्टोरेंट कर्मचारी ने तंदूर में इस्तेमाल की जाने वाली रॉड से मारना शुरू कर दिया। फिर जिसके हाथ जो आया उसने उसको फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से यह मामला दर्ज कर जांच की बात कही है और जल्द ही इस पर गिरफ्तारी की बात भी करती नजर आ रही है। था बार बार चेंज करवा रहे थे तो वो जाके किचन में फिर मारपीट करने लगे हमारे बंदों के साथ और उन्होंने गाली भी बकी। मारा पीटी हमारी लड़कियों के साथ भी हुई, पूरा हमारा रेस्टोरेंट तोड़ दिया, किचन में घुस के पूरी तोड़ा फोड़ी कर दी और गरम गरम सब्जियां वब्जियां सारे स्टाफ के ऊपर डाल दी और बाहर से पूरा रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ तोड़ दिया। वो सब लोग पिए हुए भी थे। तो मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में कुछ लड़कों ने एक हाउसिंग सोसाइटी के लोगों पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि इलाके के कुछ लड़कों का हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों से किसी बात पर विवाद हो गया था, जिसे नाराज लड़कों ने दिवाली की रात हाउसिंग सोसाइटी के लोगों पर तलवार से हमला बोल दिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दो लोग जमीन पर एक दूसरे से मारपीट करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद एक कुछ लोग लाठी से जमीन पर पड़े एक आदमी को पीटते रहे, जबकि एक महिला उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती दिखाई दी। इन तस्वीरों के बाद अब कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन ये सीसीटीवी जो सामने आया दरअसल ये दिखाता हुआ कि किस तरीके से कुछ लड़के हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों से भिड़ गए, किसी बात को लेकर उनके बीच ये विवाद हुआ, जिससे नाराज लड़कों ने दिवाली की दरअसल रात हाउसिंग सोसाइटी के लोगों पर तलवार से हमला बोल दिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे इस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में आप देखेंगे दो लोग जमीन पर एक दूसरे से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग लाठी से जमीन पर पड़े एक आदमी को पीटते भी नजर आ रहे हैं, जबकि एक महिला भी वहां पर आपको नजर आ रही होगी, वो उन्हें हालांकि छुड़ाने की कोशिश करती नजर आ रही है। उधर बिहार के दरभंगा में कुछ लोगों ने एक आदमी की बेरहमी से पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आरोपी का नाम राजा है। आरोप है कि उसने इलाके के एक आरजेडी नेता मनोज यादव पर घर जाने के दौरान चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। कोई उसे लात मारता दिखाई दिया तो कोई उस पर घूंसे बरसाता नजर आया। मारपीट से पहले कुछ लोग उससे गाली गलौज भी करते दिखे। इस दौरान वहां एक पुलिस वाला भी दिखाई दिया जो नाराज लोगों को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आरजेडी नेता पर हमले से नाराज लोगों ने पुलिस वालों की एक न सुनी। इस घटना से नाराज लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए कि दरअसल स्थिति अगर इतनी खराब है, कानून व्यवस्था इतनी लचर है, तो आखिरकार ये पुलिस करते हैं तो क्या। प्रकार की दरभंगा में प्रशासन की व्यवस्था है, क्राइम कंट्रोल जो है आउट ऑफ कंट्रोल जाता दिख रहा है और यहाँ की जो शराब कारोबारी है उससे यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है विगत कई महीनों से। जबकि बगल में विश्वविद्यालय थाना पड़ता हम लोगों का, लेकिन कई महीनों से यहाँ कोई रेड नहीं पड़ा जो सामान्य पूर्व होना चाहिए कि शराब कारोबारी को गिरफ्तार जल्द से जल्द करना चाहिए।
उधर महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार पर जारी खींचतान के बीच आज मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी अपने नेता का चुनाव करेगी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले शिवसेना के ढाई ढाई साल तक दोनों दलों के सीएम के 50-50 वाले फॉर्मूले को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खारिज कर दिया, जिसके बाद शिवसेना ने सरकार के गठन पर दोनों पार्टियों के बीच होने वाली बैठकों को रद्द कर दिया। उद्धव ठाकरे भी आज मातोश्री में अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। शिवसेना के सख्त रुख से दोनों पार्टियों के बीच जारी तनाव बढ़ता दिख रहा है, जिसे देखते हुए कांग्रेस और एनसीपी भी अब रणनीति बनाने में जुट गए हैं। खबर है कि सोनिया गांधी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से फोन पर बात की है। हालांकि इस खींचतान के बीच बीजेपी ने सीएम अपनी पार्टी से ही चुने जाने की उम्मीद जताई है। हमने बार बार ये कहा है कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, महायुति की सरकार होगी। और रही बात फार्मूला की, तो फार्मूला की बात के बारे में मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ और कई चैनलों को भी मैंने कहा है कि उसके ऊपर बयानबाजी करने के लिए ना ही मैं उतना बड़ा हूँ, ना ही संजय राउत जी इतने बड़े नेता हैं, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं वो सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह, सम्माननीय शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के बीच की बातें हैं। उधर पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता बाजार बंद करवा रहे थे, जिनको पुलिस वालों ने दौड़ा दिया। रविवार को हुगली के आरमबाग इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता आमिर अली खान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया और वहां से पकड़कर पुलिस कार्यकर्ताओं को ले गई। तो तस्वीरें आप देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की स्थिति बीजेपी और टीएमसी के बीच बनी है, कुछ वैसी ही तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई हैं, जहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं दरअसल वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इस बात का कि एक बीजेपी कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या हुई थी, जिसके विरोध में आज वो बाजार बंद कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, लाठीचार्ज करते हुए नजर आई। बताया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता वहां जब बाजार बंद करवा रहे थे तो पुलिस वाले उनको दौड़ाने लगे। रविवार को हुगली के आरमबाग इलाके में दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता, जिनका नाम आमिर अली खान बताया जा रहा है, उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां रैली निकाली थी, लेकिन पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया और वहां से पकड़कर पुलिस कार्यकर्ताओं को ले गई। उधर दिल्ली में प्रदूषण की वजह से खराब होते हालात पर सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने टास्क फोर्स की बैठक बुलाई है। सीपीसीबी ने बैठक में अलग अलग एजेंसियों को भी तलब किया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कल शाम बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। आज भी दिल्ली में प्रदूषण बहुत खराब स्तर पर बना हुआ है, इसको लेकर आज ये बैठक, और इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि दरअसल जो स्थिति खराब हो गई है उसको कैसे सुधारा जाए और साथ ही साथ इस पर और क्या नियम बनाए जा सकते हैं और क्या किया जा सकता है जिससे जो प्रदूषण है वो कम हो जाए। कई जगहों पर AQI का स्तर 400 के पार था, कई जगहों पर 999 बहुत देर तक दिखाता रहा, क्योंकि 999 के ऊपर ये जो मशीन है ये आंकड़ा ही नहीं बता सकती थी। यानी आप समझिए कि जो स्तर 999 आखिरी स्तर दिख रहा था प्रदूषण का, यानी कितना प्रदूषण दिल्ली की हवा में होगा। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि ये प्रदूषण यहाँ के लोगों की वजह से नहीं है, दिवाली की वजह से नहीं है, क्योंकि दिल्ली वासियों ने दरअसल पटाखे फोड़े ही नहीं, ये पराली की वजह से है। और गाजियाबाद और नोएडा जो दिल्ली से सटे जगह है, वहां पर पटाखे फोड़े गए, जिसकी वजह से दिल्ली की आबो हवा खराब हुई है। दिवाली के दो दिन बाद भी दिल्ली में जहरीली हवा बरकरार है, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। अभी भी दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, यानी हवा बहुत खराब श्रेणी में है। हवा में प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह 8 बजे आनंद विहार, अशोक विहार, द्वारिका, दिलशाद गार्डन, इन तमाम जगहों पर AQI का स्तर जो था वो 400 के पार पहुंच गया। मौसम पर नजर रखने वाली निजी संस्था स्काईमेट के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ की हवा में प्रदूषण और बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इंडिया गेट पे इस वक्त हम मौजूद है और दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खराब स्थिति पर पहुंचा हुआ है। अगर आपको इंडिया गेट की तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर GRAP प्लान जो दिल्ली में लागू है, बावजूद उसके यहाँ पर झाड़ू लग रहा है, झाड़ू से उड़ रही धूल, आप देख रहे हैं जो धूल के कण हैं,
ये PM 2.5 के सबसे बड़ा जो योगदान PM 2.5 में होते हैं, ये धूल के कण देते हैं। और यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ है, उसके बीचों बीच यहाँ पर झाड़ू लग रहा है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनमें से अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ स्कूली बच्चे यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए पहुँचे हुए हैं। हालांकि पिकनिक का मतलब होता है ढेर सारी मस्ती, पर यहाँ पर जो मस्तियाँ हो रही हैं उसमें भी आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो मास्क पहने हुए हैं, क्योंकि पोल्यूशन का जो लेवल है, प्रदूषण का जो स्तर है, वो इस तरह से बढ़ा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे जो बाहर आ रहे हैं वो मास्क पहनकर आ रहे हैं। दिल्ली की हवा इन दिनों सांस लेने लायक नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास और आपको धुंध की तस्वीरें दिखाते हैं। आप अक्षरधाम मंदिर को अगर देखने की कोशिश करेंगे तस्वीरों में तो धुंधला नजर आएगा और उसके आसपास धुंध की एक परत नजर आएगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नज़र रखने वाली संस्थाओं के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो पोल्यूशन लेवल है वो 400 से ज़्यादा है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। अगर आपको अक्षरधाम मंदिर से लगी हुई सड़क हम दिखाएं जो कि NH 24 है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक धुंध आपको नज़र आएगी। सफ़र के मुताबिक इस वक्त दिल्ली का औसत वायु प्रदूषण 392 है, जो बेहद ख़राब स्थिति में है। और ये आज ही नहीं है, पिछले कई दिनों से इसी तरह के हालात हैं और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से हालात रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि दिवाली के वक्त भी पोल्यूशन बढ़ा था, लेकिन दिवाली से ज़्यादा अब जो है यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि दिवाली की अगली सुबह उतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं था, लेकिन अब कल और आज ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि कब राहत इस पोल्यूशन से मिलेगी। जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के नज़दीक गुरुग्राम में भी हवा में जहर घुला है। दिवाली के बाद से गुरुग्राम की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण की वजह से कई इलाकों में लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। लोग भी प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनकर घर से बाहर निकल रहे हैं। प्रदूषण की वजह से गुरुग्राम के कई इलाके सफेद चादर से ढके दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति गुरुग्राम की उस वक्त है जब तमाम दावे और वादे किए गए थे कि इस बार इससे निपटने के कई इंतजाम सरकारों के द्वारा हुई है, पराली पर कंट्रोल किया जाएगा, पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी जिस तरीके से आदेश था, लेकिन उस सब के बावजूद ये तस्वीरें दरअसल दिखाई जा रही कि जो भी नियम बनाए गए, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसकी धड़ल्ले से वहां धज्जियां उड़ाई गई हैं, क्योंकि इस तरीके की स्थिति गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में बनी हुई है, जहां पर अब लोगों को सड़क पर निकलने से पहले 4 बार सोचना पड़ रहा है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण की एक सबसे बड़ी वजह हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली पराली को माना जा रहा है। हरियाणा के पानीपत में किसानों ने खेतों में रात में ही पराली जला दी। सुबह होने पर सभी खेत काले नजर आ रहे थे। रात भर पराली जलने से आसपास के इलाकों में कोहरा दिखाई दिया। पराली जलाने से हरियाणा में भी कई जगह प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। कोहरे की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। दूसरी तरफ किसान पराली जलाने को मजबूरी बता रहे हैं और सरकार से मदद नहीं मिलने की बात कर रहे हैं। कटाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें देने की बात कही गई थी, लेकिन वो मशीनों का खर्च काफ़ी ज़्यादा आता है। यही वजह है कि जो गरीब किसान हैं वो उस मशीन को कटाई के लिए नहीं खेतों में लगा पाते हैं और ऐसे में इनको आग लगाना उनकी मजबूरी बन जाती है। साथ ही साथ जो सरकार ने इस पराली को खरीदने की बात कही थी तो इसको लेकर भी किसानों का ये कहना है कि खरीदने के लिए कोई आता नहीं है, कोई मुफ्त में भी इसे ले जाने के लिए नहीं आता है, बल्कि जुर्माना लेने के लिए ज़रूर अधिकारी पहुंच जाते हैं। तो किसानों की अपनी मजबूरी है, अपने तर्क हैं, लेकिन इतना ज़रूर है इन खेतों को देखते हुए कि पराली हरियाणा और पंजाब में ज़रूर जलाई जा रही है और ये भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। कैमरामैन युगल के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 18 इंडिया, पानीपत। उधर सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में हिस्सा लिया और इस समिट में दुनिया के कई देशों से उद्योगपति और बड़े नेता शामिल हुए। समिट में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने की बात कही। आज इस मंच से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत में प्रगति की रफ्तार और तेज होगी। हम देश के विकास से जुड़ा हर फैसला ले रहे हैं, न हमारी नीतियों में भ्रम है और न ही हमारे लक्ष्य में संदेह है। हमारे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का रोडमैप तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईएसआई सरगना बगदादी के बाद उसके उत्तराधिकारी को भी मार गिराने का दावा किया। ट्रंप ने यह दावा बगदादी के मारे जाने के ऐलान के लगभग 48 घंटों बाद किया।
उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बताया कि अमेरिकी सेना की कार्रवाई में बगदादी का उत्तराधिकारी अब्दुल्ला करदाश भी मारा जा चुका है। खबर थी कि बगदादी के मारे जाने के बाद करदाश ने ही आईएसआईएस की कमान संभाली है, लेकिन ट्रंप ने बकायदा एक ट्वीट किया और ये जानकारी दी कि अब उसको भी मार गिराया गया है। बगदादी की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आईएसआईएस का क्या होगा? क्या आईएसआईएस मिट जाएगा या बगदादी की गद्दी पर उससे भी खतरनाक कोई और चेहरा आएगा? बगदादी की गद्दी संभालने को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। इसमें एक ऐसा नाम भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे अंतरिम तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई है। इस शख्स का नाम है अब्दुल्ला करदाश, जिसे बगदादी का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है। खबरों के मुताबिक आईएसआईएस में अब्दुल्ला करदाश को फिलहाल नया कमांडर बना दिया गया है। अब्दुल्ला करदाश बगदादी का बेहद करीबी माना जाता है। 2003 में बगदादी और अब्दुल्ला करदाश इराक की बसरा जेल में साथ में रहते थे। करदाश सद्दाम हुसैन की सेना में अफसर था। उसे आईएस में प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है। फिलहाल आईएसआईएस का रोजमर्रा का काम करदाश ही देख रहा था। ये कहना मुश्किल है अब्दुल्ला को किसने नियुक्त किया या कैसे हुआ या कोई बड़ी मीटिंग अभी हुई, इतनी जल्दी संभव नहीं है। हालांकि करदाश के नाम पर कुछ जानकार भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि करदाश पहले ही मारा जा चुका है। करदाश 2017 में ही मारा जा चुका है। उसकी बेटी इराक के खुफिया अधिकारियों के कब्जे में है और वो ये पुष्टि भी कर चुकी है। करदाश के नाम पर वैसे भी आईएसआईएस में एक राय बनना नामुमकिन है, क्योंकि वो सद्दाम हुसैन की सेना में रह चुका है। बगदादी की मौत के बाद एक तरफ जहां उसकी कुर्सी के लिए जंग छिड़ी हुई है, वहीं अब आतंकी संगठनों में नए समीकरण भी बन सकते हैं। जानकारों के मुताबिक आईएसआईएस के प्रभाव वाले इलाके में अलकायदा अपने पैर फैलाने की कोशिश कर सकता है और इसके लिए दोनों संगठन हाथ भी मिला सकते हैं। अलकायदा एंड आईएसआईएस हैव हैड टेरिबल रिलेशनशिप्स, दे आर कंपेटिटर्स वन विद द अदर, एंड येट अलकायदा शेल्टर्ड अल-बगदादी फॉर दिस लास्ट पीरियड ऑफ टाइम। आईएसआईएस और अलकायदा के हाथ मिलाने की खबरों में भी एक बड़ा पेच है, क्योंकि बगदादी जिस जगह पर मारा गया वो अलकायदा के प्रभाव वाला इलाका है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अलकायदा बेहद सधी हुई रणनीति से आईएसआईएस की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। पुराने उसके अलकायदा के अलाइज थे, जैसे नाइजीरिया में बोको हराम या इस तरह के बहुत से संगठन हैं, वो हो सकता है कि दोबारा से अलकायदा को ज्वाइन करें। बगदादी की मौत के बाद अब आईएसआईएस के भविष्य को लेकर भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं और आतंकी दुनिया में एक नए समीकरण की आहट भी हो रही है। यही नहीं, कुछ जानकार तो ये भी मान रहे हैं कि अब आईएसआईएस की जगह लेने के लिए एक नए संगठन का भी जन्म हो सकता है। Underlying social, political, and intellectual and economic conditions in the Middle East remain the same and will produce these types of radical extremist groups. आईएसआईएस को लेकर जानकारों की राय बटी हुई, लेकिन ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि बगदादी ने आईएसआईएस को छोटे छोटे स्वतंत्र संगठनों में बांट दिया था, इसलिए उसकी ताकत पर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही नहीं, बगदादी की इस रणनीति की वजह से अरब मुल्कों में आतंकी वारदातें और तेज भी हो सकती हैं। सीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके में तुर्की के समर्थन वाले सीरिया के लड़ाकों ने कुर्द लड़ाकों पर जोरदार हमला किया। तुर्की और रूस के बीच हुए समझौते के बाद कुर्द इलाके के लड़ाकों को सीमा के पास मौजूद इलाके छोड़ने को कहा गया था, लेकिन संघर्ष विराम के बाद भी तुर्की के समर्थन वाले लड़ाकों और कुर्द लड़ाकों के बीच कुछ इलाकों में कब्जे की लड़ाई जारी है। तुर्की के समर्थन वाले लड़ाके कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर भारी मशीन गनों से हमला करते दिखे। कई जगहों पर आमने सामने की लड़ाई भी हुई। कुछ लड़ाके राइफल से ताबड़तोड़ गोलीबारी करते दिखे। गोलीबारी के बाद तुर्की के समर्थन वाले लड़ाकों ने एक इमारत पर कब्जा कर लिया। तुर्की सीरिया की सीमा के करीब 30 किलोमीटर अंदर तक सेफ जोन बनाना चाहता है, जिसके लिए वो कुर्द लड़ाकों को वहां से खदेड़ना चाहता है।
भारत ने करतारपुर कॉरिडोर से करतारपुर साहिब जाने वाले 575 श्रद्धालुओं की पहली लिस्ट पाकिस्तान सरकार से साझा की है। खबर है कि इस लिस्ट में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप पुरी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ये सभी लोग 9 नवंबर को करतारपुर साहिब के लिए रवाना होने वाले दल का हिस्सा होंगे और इसमें ये नाम भी अब सामने आए हैं जो पाकिस्तान को सौंपे गए हैं भारत की तरफ से। और इस लिस्ट में जो नाम है उसमें दरअसल मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, हरदीप पुरी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। साथ ही साथ जो पूरी लिस्ट है वो 575 श्रद्धालुओं की है। ये पहली लिस्ट पाकिस्तान सरकार से साझा की गई है। दरअसल भारत ने करतारपुर कॉरिडोर से करतारपुर साहिब जाने वाले ये 575 श्रद्धालुओं की जो पहली लिस्ट है वो पाकिस्तान सरकार को दी है, उनसे साझा की है। और इसमें जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि इसमें कई नाम जैसे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप पुरी का नाम इस लिस्ट में शामिल है। और ये सभी लोग 9 नवंबर को करतारपुर साहिब के लिए रवाना होने वाले दल का हिस्सा होंगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में छेड़छाड़ के आरोप में लोगों ने दो लड़कों की पिटाई कर दी। बताया गया कि लड़कों ने वहां महिलाओं पर फप्तियां कसी थी, जिसके बाद महिलाओं ने दोनों लड़कों को घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी। भीड़भाड़ वाली जगह पर हंगामा होता देख लोग वहां जमा हो गए। खुद को घिरा देख लड़के वहां लोगों से भिड़ गए। काफी देर तक इलाके में ऐसे ही हंगामा होता रहा। फिर वहां पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने पहले तो लोगों को शांत कराया और फिर दोनों लड़कों को अपने साथ ले गई। अब पुलिस शिकायत के बाद ही किसी कार्रवाई पर बात कर रही है। अभी तक फिलहाल कोई शिकायत पुलिस तक नहीं पहुंची है, इसलिए पुलिस का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से ये दो शख्स जिन्हें भीड़ ने खूब पीटा क्योंकि महिलाओं को वहां छेड़ रहे थे, जिसके बाद वहां भीड़ जुटती गई और इन दोनों लड़कों की जमकर पिटाई हुई। खुद को घिरा देख लड़के वहां से लोगों से भी भिड़ते नजर आए। काफी देर तक ये हंगामा ऐसे ही चलता रहा। जब पुलिस वहां पहुंची तब जाकर ये मामला शांत हुआ। पुलिस ने इन दोनों लड़कों को अपने साथ पकड़कर पुलिस ले गई है और अब पुलिस शिकायत के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। भोपाल के एक रेस्टोरेंट में ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि जन्मदिन के मौके पर एक परिवार के करीब 18 लोग वहां पहुंचे थे, जिनका रेस्टोरेंट के कर्मचारी से झगड़ा हो गया और गुस्साए ग्राहक रेस्टोरेंट के कर्मचारी से भिड़ गए। देखते ही देखते रेस्टोरेंट जंग के मैदान में बदल गया। खाने में देरी हुई तो ग्राहक किचन तक जा पहुंचे, जहां रेस्टोरेंट के संचालक ने उन्हें रोका तो दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि रेस्टोरेंट कर्मचारी ने तंदूर में इस्तेमाल की जाने वाली रॉड से मारना शुरू कर दिया, फिर जिसके हाथ जो आया उसने वही फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर लिया है और जांच की बात कर रही है, लेकिन ये पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिख रहा है कि किस तरीके से 18 लोग जो वहां जन्मदिन के मौके पर खाना खाने पहुंचे थे, वहां खाने में देरी की वजह से मामला बढ़ा, झगड़ा बढ़ा और दोनों विपक्ष आपस में भिड़ गए। कुछ उन्हें खाना पसंद नहीं आया था, बार बार चेंज करवा रहे थे, तो वो जाके किचन में फिर मारपीट करने लगे हमारे बंदों के साथ और उन्होंने गाली भी बकी। मारापीटी हमारी लड़कियों के साथ भी हुई, पूरा हमारा रेस्टोरेंट तोड़ दिया, किचन में घुस के पूरी तोड़ा फोड़ी कर दी और गरम गरम सब्जियां वब्जियां सारे स्टाफ के ऊपर डाल दी और बाहर से पूरा रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ तोड़ दिया। वो सब लोग पिए हुए भी थे। तो बिहार के दरभंगा में कुछ लोगों ने एक आदमी की बेरहमी से पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आरोपी का नाम राजा है। आरोप है कि उसने इलाके के एक आरजेडी नेता मनोज यादव पर घर जाने के दौरान चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। कोई उसे लात मारता दिखा तो कोई उस पर घूंसे बरसाता नजर आया। मारपीट से पहले कुछ लोग उससे गाली गलौज भी करते दिखे। इस दौरान वहां एक पुलिस वाला भी दिखाई दिया जो नाराज लोगों को अपने ही तरीके से समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आरजेडी नेता पर हमले से नाराज ये लोग पुलिस वाले की एक भी सुनते नजर नहीं आए। इस घटना से नाराज लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए कि दरअसल एक नेता पर इस तरीके से चाकू से हमला हो जाता है और पुलिस कहां होती है। इस प्रकार की दरभंगा में प्रशासन की व्यवस्था है, क्राइम कंट्रोल जो है आउट ऑफ कंट्रोल जाता दिख रहा है और यहाँ की जो शराब कारोबारी है उससे यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। विगत कई महीनों से, जबकि बगल में विश्वविद्यालय थाना पड़ता हम लोगों का, लेकिन कई महीनों से यहाँ कोई रेड नहीं पड़ा जो सामान्य होना चाहिए। शराब कारोबारी को गिरफ्तार जल्द से जल्द करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
बताया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता बाजार बंद करवा रहे थे जिनको पुलिस वालों ने तोड़ा लिया। रविवार को हुगली के आरंभबाग इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता जिनका नाम आमिर अली खान बताया जा रहा है, उनकी पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया और वहां से पकड़कर पुलिस कार्यकर्ताओं को ले गई, जिसके बाद भी वहां लोग जो थे वो हंगामा करते हुए नजर आए। उनका हंगामा दरअसल इस बात को था क्योंकि टीएमसी और बीजेपी की जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में स्थिति दिखा रही है कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति बन रही है, और ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। वहीं इस तरीके से नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई और फिर देखते ही देखते कार आग की भीषण लपटों में घिर गई, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। कार में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थी। इस दौरान वहां से तेजी से गाड़ियां भी गुजरती रही। बाद में सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कार में लगी आग पर काबू पाने में जुट गई। दो लोग पाइप की मदद से आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। आग बुझाने के दौरान वहां धुएं के गुब्बार भी छा गया। हालांकि कुछ देर बाद ही फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन ऐसे वक्त पर जब वहां एक कार अचानक बीच सड़क पर धूं-धूं कर जलने लगी तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो लोग वहां से गुजर रहे थे उनके लिए काफी चौंकाने वाला ये मंजर था। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जा सकता तब तक कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। जिस तरीके की तस्वीर, हालांकि जो लोग वहां पर मौजूद थे वो अपने ही तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश पहले करते नजर आए, लेकिन जैसे ही वहां आग पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया, दमकल विभाग के कर्मचारियों को इसकी खबर दी गई। उसके बाद कर्मचारी वहां पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद कार पर लगी आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के 5 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मजदूरों की मौत पर अफसोस जताया, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पीड़ित परिवारों से मिलने जाएंगे। कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक 31 अक्टूबर को कई आतंकी संगठन मिलकर राज्य में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईएसआई सरगना बगदादी को मारे जाने के करीब 48 घंटे बाद उसके उत्तराधिकारी को भी मार गिराने का दावा किया। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को सऊदी अरब का साथ मिला। दोनों देशों के बीच रक्षा, तेल और गैस समेत 13 अहम समझौतों पर